हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256, फाइंड द वॉल्यूम। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैटरल सरफेस एरिया बोलते किसे हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया है, ठीक है। इस क्यूब की हमें निकालनी पड़ेगी साइड, और साइड निकालने के लिए हमें गिवन इन्फॉर्मेशन लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरा क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब की सिर्फ वैसे तो 6 फेस होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और एक नीचे वाला फेस 6, लेकिन हम सिर्फ इसके 4 फेस को ही लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये चारों फेस 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों फेस को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल कहते हैं कि चारों होंगे प्लस में ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों होंगे, इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, चार फेस का होगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि हमें दे रखा है 256, और मैंने इसकी साइड को a मान लिया। वैसे इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 256, मल्टीप्लाई में 4 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, मैंने 4 का इसमें डिवाइड दिया तो मेरा निकल के आ गया ये 4 6 24, 4 4 16, 64 स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, 64 का अंडर रूट होता है 8 सेंटीमीटर। साइड आ गई इसकी, हमें पूछा गया इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब यानी साइड का क्यूब। साइड कितनी है, 8 8 * 8 * 8 8 8 = 64 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो ये मेरा आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर * 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द अ पैकेट कंटेनिंग 12 such boxes। हमारा एक मैच बॉक्स है, देखो कुछ इस तरीके से है, जिसकी ये हो जाएगी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक पैकेट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके जैसे कितने हैं, 12 हैं, एक का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। तो मैच बॉक्स की जो शेप होती है वो होती है क्यूबॉइडिकल। वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स, जिसका फॉर्मूला होगा L × B × H। तो L इसकी 4, B 2.5, 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 25 × 4 = 100, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 आ गया। अब 10 को मल्टीप्लाई करना 1.5 के साथ, 10 है, डेसिमल इधर चला जाएगा, ये हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। एक मैच बॉक्स का आ गया, हमें निकालना 12 का, 12 मैच बॉक्स वॉल्यूम 12 × 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू सिलेंडर 5:3 एज वेल एज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर। देखो, दो अलग अलग सिलेंडर है, मान लो ये हमारा सिलेंडर नंबर है 1 सिलेंडर, या फिर इसको ले लो ए, एंड सिलेंडर बी, हमें दोनों की हाइट का रेशियो दे रखा है। यहां लिखता हूं सिलेंडर ए, सिलेंडर बी, इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट। इस वाले सिलेंडर की हाइट को मैं ले लेता हूं स्मॉल एच, और इस वाले की हाइट को ले लेता हूँ मैं कैपिटल एच। तो यानी कि स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच, इन दोनों का रेशो में दे रखा 5:3। इसी तरीके से इनकी रेडियस का भी रेशो दे रखा मैं, सिलेंडर ए इसकी रेडियस एंड सिलेंडर बी इसकी रेडियस।
तो छोटे वाले इस वाले सर सिलेंडर की रेडियस को मान लेता हूँ स्मॉल आर, और इसकी रेडियस को मान लेता हूँ मैं कैपिटल आर, यानी आर इज टू कैपिटल आर। इसका रेशियो हमें दे रखा है 2:3, और हमसे पूछा रेशियो वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक, और इसका भी यही होगा पाई, बट इसी के लिए आर कौन सी यूज़ करेंगे, कैपिटल वाली आर स्क्वेयर एच। देखो पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, इन दोनों पे स्क्वेयर है तो इन दोनों पे मैं इकट्ठा करके स्क्वेयर लगा लेता हूँ, इन टू एच अपॉन में कैपिटल एच, तो आर अपॉन में कैपिटल आर कितना है 2:3। ऊपर स्क्वेयर लगा हुआ है, स्क्वेयर का मतलब है दो बार, एक बार दो बार लिख दिया, एच अपॉन में कैपिटल एच, वो मैं दे रखा 5:3। अब देखो 2 2 4 4 5 20, 3 3 9 9 3 27, तो इनकी रेशियो हो जाएगी 20:27 सिलेंडर ए और सिलेंडर बी की। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।